नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एक से अधिक लैंग्वेजेस का प्रयोग करो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी कहती है कि आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाओ। तो क्यों ना हम स्टोरीज के माध्यम से पढ़ें। हम ज़्यादा लैंग्वेजेस भी पढ़ सकते हैं और स्टोरीज तो होती ही मज़ेदार हैं। तो आज की स्टोरी का नाम है रूरू। इसे लिखा है पारू आनंद ने और इलस्ट्रेशन है ऋषि सहानी की। अब इस स्टोरी में हम एक से अधिक लैंग्वेजेस का प्रयोग कर रहे हैं। वो कैसे? या तो मैं इंग्लिश में पढूं और आप हिंदी में पढ़ सकते हैं खुद ब खुद, और या मैं हिंदी में पढूं और आप पढ़ सकते हैं खुद ब खुद इंग्लिश में। तो चलिए हम दोनों ही लैंग्वेजेस को थोड़ा पढ़ के बाद में एक लैंग्वेज पर आ जाएंगे। तो आर्ट इंटीग्रेशन करने के लिए हम कहानियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कहानियों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए कहानी पढ़ते हैं। रूरू। रूरू वॉज अ वेरी स्वीट लिटिल बेबी कैंगरू। बेबी कैंगरूज आर कॉल्ड जोई। जस्ट लाइक अ कैट बेबी इज कॉल्ड अ किटन एंड अ डॉग बेबी इज कॉल्ड अ पपी। रूरू एक कंगारू बच्चा था। कंगारू बच्चों को जोईस भी कहते हैं, वैसे ही जैसे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला और बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं। रूरूज मदर कॉल्ड हिम रूरू। ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट। हिज मदर वुड आस्क। उसकी मम्मी उसे रूरू बुलाती थी क्योंकि वो हमेशा रोता था। मम्मी पूछती, रो क्यों रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग? बट रूरू वुड ओनली से रो रो। Every day, Ruru's mother asked the same questions, and every day there was only one answer. जवाब एक ही होता, Ruru. भूख लगी है, थक गए हो, नींद आई है, प्यास लगी है, ठंड लग रही है, गर्मी है। जवाब एक ही होता, Ruru. तो माँ ने उसका नाम ही रख दिया Ruru. Then one day, she thought of a new question. She asked, this time, instead of Ruru, there was only silence. Ruru seemed to be thinking. Mama kangaroo waited and waited. Ek din, maa ne thoda ghuma kar poocha. Kya tumko bahut akela lagta hai, mere bachche? Is baar Ruru nahi roi, wo chup raha. Shayad wo soch raha tha. माँ इंतजार करती रही करती रही करती रही करती रही। एंड देन शी वेटेड सम मोर। फाइनली शी आस्क्ड हर क्वेश्चन अगेन, आर यू लोनली? अ स्मॉल वॉइस केम फ्रॉम आउट ऑफ द पाउच, यस आई एम लोनली, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। खूब सारा इंतजार करने के बाद अम्मी ने फिर से पूछा, अकेलापन लगता है बेटा? जेब से एक बारीक सी आवाज़ आई, हाँ मेरा कोई दोस्त नहीं। मामा कैंगरू वॉज सो हैप्पी टू नो व्हाट वॉज मेकिंग हर बेबी सो सैड। शी जम्प्ड एंड जम्प्ड एंड देन शी जम्प्ड सम मोर। अम्मी खुशी से कूदते फांदने लगी, तो इसलिए उदास रहता था मेरा बच्चा? वो देर तक कूदती रही कूदती रही कूदती रही। रूरू, आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू गो आउट ऑफ माई पाउच एंड फाइंड न्यू फ्रेंड्स। द वर्ल्ड वॉज वेरी बिग बट इट वॉज वंडरफुल। देर वर सो मैनी कलर्स, सो मैनी साउंड, सो मैनी स्मेल्स। शाइली एट फर्स्ट, स्लोली एट फर्स्ट, रूरू स्टक हिज हेड आउट ऑफ मामाज पाउच। रूरू, अब टाइम आ गया है बच्चा, अम्मी की गोद से निकलो और बाहर जाकर दोस्त बनाओ। रूरू ने थोड़ा डरते हुए झिझकते हुए हौली से अम्मी की जेब से सर निकाला। दुनिया कितनी बड़ी, कितनी सुंदर, कितने सारे रंग, आवाज़ें, कितनी सारी खुशबुएं। बट रूरू वॉज अ बिट स्कैर्ड। इट वॉज अ वेरी बिग वर्ल्ड आउट देयर। पर रूरू सहम गया, इतनी बड़ी दुनिया थी बाहर। मामा कैंगरू वॉज पेशेंट। समटाइम्स शी वुड पुश हर बेबी जेंटली एंड समटाइम्स शी वुड वेट टिल शी वॉज रेडी फॉर अ बिट मोर। फाइनली
अम्मी कंगारू थोड़ी देर तो सब्र किए रही, फिर हल्के से थपकी दी, फिर रूरू को खुद से जेब से निकलने की कोशिश करने लगी और देखती रही आखिर रूरू वॉज आउट ऑफ द पॉकेट, रूरू जेब से बाहर था। He hopped a little away and smelt a flower. Then he hopped a bit further and watched a bird sitting on a low branch and singing. वो थोड़ी दूर कूदते हुए गया, एक फूल को सूंघा, फिर आगे बढ़ा। एक नीची टहनी पर एक चिड़िया गाना गा रही थी। When the bird had finished its song, Ruru wanted to ask it if it knew any other songs, or maybe he wanted to ask the bird to teach him to sing. But the bird hopped off to another tree. Wait, wait, shouted Ruru. He quickly hopped after the bird. Ruru ne chidiya se puchna chaha, kya usse aur gaane bhi aate hain? Kya wo usse gaana sikha degi? Par chidiya udke dur ped par baith gayi. Ruko, ruko, jao mat. चिड़िया के पीछे कूदता हुआ रूरू चिल्लाया। द बर्ड लुक डाउन फ्रॉम हर ब्रांच एंड सेड, आई कांट स्टॉप नाउ, अ टेरिबल थिंग हैज हैपन। व्हाट, व्हाट्स द टेरिबल थिंग? सो द बर्ड टोल्ड द लिटिल कैंगरू दैट इट्स नेस्ट वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बाय लास्ट नाइट स्टॉर्म एंड हर न्यू चिक्स वर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग आउट। आई एम नॉट जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम कॉलिंग टू माई मेल to ask him to help me before we lose our babies. Chidiya boli, main ruk nahi sakti, bahut bura ho gaya hai. Kya bura hua? Pichli raat bhayanak tufaan aaya tha. Mera ghonsla bikhar gaya hai. Kahin mere bacche gir na jaye, main gaana nahi ga rahi thi. Apne saathi ko bula rahi thi. Wo aa jaye to hum milkar jaldi jaldi ghonsla theek kar lenge. Ruru followed the bird. The tiny chicks were crying. Mama bird began to cry loudly till its mate came to see what happened. Ruru chidiya ke saath chal pada. Bacche zameen par behal pade hue the. Chidiya zor se ro di. Uski awaaz sunkar uska saathi udta hua aaya. I know where your babies will be safe until they are old enough to fly. Ruru had an idea. उन दोनों को उदास देख रूरू को एक ख्याल आया। मुझे एक जगह मालूम है जहाँ तुम्हारे बच्चे आराम से रह सकते हैं जब तक वो उड़ने लायक नहीं होते। एंड ऑफ कोर्स ही हेल्प मामा कैंगरू पुट द लिटिल चिक्स इनटू हर पॉकेट वेयर दे वुड बी वार्म एंड सेफ। द बर्ड्स वर सो हैप्पी दैट दे बिगन टू सिंग एंड दे टॉट रूरू देयर सॉन्ग। That night, Ruru was very careful. Getting back into Mama's pocket, he snuggled up with the birds and wasn't so lonely anymore. फिर क्या था, Ruru की मदद से अम्मी ने धीरे धीरे सारे बच्चों को अपनी नर्म मुलायम जेब में रख लिया। यहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं था। चिड़िया खुशी से गाने लगी। उन्होंने Ruru को भी गाना सिखा दिया। उस रात रूरू आहिस्ता से संभल कर अम्मी की जेब में घुसा और चिड़ियों की बगल में दुबक गया। अब वो अकेला नहीं था। द नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड सम मोर। फ्रॉम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई शी सॉ अ यंग ऑस्ट्रिच। इट वॉज क्वाइट टॉल बट इट्स हेड वॉज इन द सैंड एंड इट वॉज सॉबिंग। अगले दिन वो दोबारा दुनिया देखने निकला। रास्ते में उसे एक और चतुर्मुर्ग बच्चा मिला। वो लंबा बच्चा अपने सिर को रेत में घुसाए सुबक रहा था। रूरू टैप्ड जेंटली ऑन द टॉल लेग्स। द यंग फेलो पुल्ड हिज हेड आउट ऑफ द सैंड एंड लुक्ड एट द बेबी कैंगरू विद बिग आईज एंड लॉन्ग लॉन्ग आईलैशेस। व्हाई आर यू क्राइंग, रूरू आस्क्ड। रूरू ने धीरे से लंबी टांगों को थपथपाया। शुतुरमुर्ग ने रेत से सर निकाला और लंबी पलकों से ढकी बड़ी बड़ी आंखों से रूरू को देखा। ऐसे रोने वाली क्या बात हो गई, रूरू ने पूछा। माई पेरेंट्स स्कोल्डेड मी एंड नाउ आई एम ऑल अलोन। यू नो व्हाट रूरू डिड? मेरी मम्मी पापा ने मुझे डांटा और अब मैं अकेला हूँ, वो रोते रोते बोला। पता है रूरू ने क्या किया?
अब सारी कहानी मैं ही सुनाऊं कि बाकी की आप खुद भी पढ़ेंगे? तो आपको ये किताब खरीदनी होगी और किताब खरीद कर बाकी की कहानी पढ़िए। कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी पढ़ने के लिए आपको किताब खरीदनी होगी। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।